अभिषेक जी, पहले ब्लॉक्स इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। अभिषेक जी, सबसे पहले तो हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपकी शिक्षा, जीवनी और अनुभव, और राजनीति में आपका कैसे है? बहुत थोड़ा सा अनुभव है। मैं अभिषेक चौहान हूँ, राष्ट्रीय लोकदल की जो छात्र प्रकोष्ठ है, छात्र राष्ट्रीय लोकदल, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और लखनऊ विश्वविद्यालय का एक संबद्ध महाविद्यालय है KKC, वहाँ से मैंने छात्र राजनीति शुरू की थी 2008 में। तब मैं समाजवादी पार्टी में था, समाजवादी छात्र सभा में। लेकिन जयंत जी की सरलता, जयंत जी का मिलने का तरीका और जिस तरह से डायरेक्ट मिलते हैं जयंत जी, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में वो चीज़ खली, इसलिए मैं राष्ट्रीय लोकदल में गया। और राष्ट्रीय लोकदल में जाने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी था, राष्ट्रीय लोकदल किसान और नौजवान के मुद्दे को उठाता है और जो देश की असल समस्या है, जाति विहीन होना चाहिए देश को, जातियों में नहीं बंटना चाहिए देश को, क्योंकि ऑलरेडी देश में दो खाइयां हैं, एक सक्षम वर्ग है, एक दुर्बल वर्ग है। इन्हीं दोनों खाइयों को पाटने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसलिए मैं चौधरी चरण सिंह की इस विचारधारा से प्रभावित हुआ और मैं राष्ट्रीय लोकदल में गया और जयंत जी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे छात्र राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। राजनीति में मेरा थोड़ा सा अनुभव यही है, मैं 2009 से अब तक हूँ। समाजवादी पार्टी के संगठन में बहुत से पदों पर रहा, लेकिन उस बात को चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। मौजूदा समय में मैं छात्र लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। छात्रों की अगुवाई क्यों करना चाहते हैं, जबकि आपने शिक्षा दीक्षा इतनी होने के साथ साथ आप शायद कोई नौकरी भी कर सकते हैं? देखिए, अगुवाई करना चाहते हैं या ये हम और आप या कोई भी तय नहीं कर सकता कि हम लोग क्या करना चाहते हैं, ये लोग तय करते हैं, है ना। अब बेसिकली हो ये गया है इस देश में पिछले कई सालों से, एक पार्टी है जो पैसा लेके विधायक बनाती है, ठेकेदार आते हैं, माफिया आते हैं, पैसा लेती है, टिकट दे देती है। एक समय था जब आइडियोलॉजी वाले लोग आगे आते थे, सोच होती थी, विचार होती थी, डिबेट्स होती थी और तब राजनीति की मुख्य धारा में लोग आगे आते थे। तो कहीं ना कहीं इश्यूज तो हैं और मेरा शुरू से था कि मैं अब परिस्थितियां भले कुछ करा लें कि रोजी रोटी के लिए जाना पड़े, हालांकि मेरी इच्छा है कि मैं राजनीतिक रूप से इस देश की सेवा करूं और खासकर अपने उत्तर प्रदेश की सेवा करूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सबसे आप बेसिकली दो जो चीज़ें हैं जो उत्तर प्रदेश की सबसे कमज़ोर हैं, वो उत्तर प्रदेश का नौजवान है और उत्तर प्रदेश का किसान है। उत्तर प्रदेश के किसानों की हालत बहुत ख़राब है, ठीक है। जो किसानों की हालत आप TV में या कुछ पेड मैगजीन हो उसको छोड़ दो, जो दिखाई जाती है उतनी नहीं अच्छी है, ठीक है। सिर्फ खाद और सिंचाई के साधन या सिंचाई मुफ्त कर देने से आप किसानों की स्थिति सही नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बेसिक नीड है जो सही होनी चाहिए, उसमें फिर आप बिजली का बिल ले लो, ठीक है, किसानों के बच्चों की शिक्षा ले लो, क्योंकि उसमें सामान्य भी हैं और सामान्य में हमारे यहाँ स्कॉलरशिप दी जाती है तो मेरिटोरियस को दी जाती है। बहुत से ऐसे इशू हैं जो कहीं ना कहीं उठाना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर नौजवान है और किसान परिवार से या मजदूर परिवार से या जवान के परिवार से, सैनिक परिवार से, तो इन बच्चों को, इनके परिवारों के बच्चों को शिक्षा की जो उपलब्धता है वो जितना सरलता से हो सके वो मिल जाए। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन कुछ परसेंटेज क्राइटेरिया की वजह से, लेकिन फीस की वजह से आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस हमारा ऐसा मानना है कि पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, अगर बच्चा पढ़ना चाह रहा है वहां पे तो आप पढ़ाइए। आप ये क्राइटेरिया मत सेट कीजिए कि इतने क्राइटेरिया से ही लेंगे या इतने परसेंट वालों को ही लेंगे, है ना, या फीस की वजह से अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है। इजी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोच होना चाहिए, पढ़ने वाले को कैंपस मिलना चाहिए अगर वो वहां पढ़ना चाह रहा है। ऐसा क्या है ना, ब्रेन डेवलप होता है, क्वालिटी डेवलप होती है। तो
ये थोड़ा सा मेरी कोशिश है और अभी तो नहीं कुछ कर पाए हैं, लेकिन हाँ करना बहुत कुछ चाहते हैं, स्पेशली नौजवानों के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो नौजवानों की जब आपने अभिषेक जी बात करी तो मैं चार पांच मुद्दों के बारे में जानना चाहता हूँ जो आप छात्र हित में करना चाहते हैं, आपने किए उस कामों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए छात्रों के हितों की मैं अभी प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ, जब मैं केकेसी में चुनाव लड़ रहा था 2009 में मैंने एडमिशन लिया, मैं 2008 पास आउट हूँ LPS का, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स का मैं पास आउट हूँ, अकाउंट से हूँ। तो जब मैं पास आउट करके बीकॉम करने गया तो तब भी हमारा मुद्दा यही था, 2009 से 2012 तक मैं वहाँ रहा, तब भी हमारा मुद्दा यही था कि कोई कमज़ोर इन द सेंस फाइनेंशियली कमज़ोर अगर बच्चा है वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसको एडमिशन दे दीजिए, फीस 3 बार में ले लीजिए, 4 बार में ले लीजिए, जैसे मान के चलिए 1 साल का है, अप्रैल टू अप्रैल का सेशन है, ठीक, अप्रैल में आपने दिया एडमिशन, अब फीस है आपकी 6,000 रुपये, तो इसको 3 बार में कर दीजिए, ठीक 3 बार में कर लीजिए, हम ये नहीं कह रहे आप फ्री में पढ़ाओ, ठीक, हालांकि ये सब गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेज है, इनको जो फीस है, इनकी जो सैलरी दी जाती है टीचर्स की, वो सरकार द्वारा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा है। तो जब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सैलरी है तो छात्रों से सिर्फ कॉलेज की मेंटेनेंस का एक ले लिया जाए, ठीक है, अब आप छात्रों के कंधों पर ही ये बर्डन दे दो कि फीस दीजिए सैलरी, तो ये गलत है। हमारा ऐसा मानना है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी इतनी कर दीजिए कि जो पढ़ना चाह रहा है उसको पढ़ने दीजिए, ठीक है। अब दूसरी, पहला मामला ये हो गया, दूसरा पैसे की वजह से कोई भी एजुकेशन में स्टॉप नहीं आना चाहिए। अच्छा दूसरा मामला आप समझो, बहुत मोटा मोटा मामला है, परसेंटेज का जो अपने यहाँ है ये लोचा, देखो आज़ाद हिंदुस्तान है, बात समझो, आज़ाद हिंदुस्तान में आज के नौजवान को, आज की युवा पीढ़ी को ये तो हक होना चाहिए कि हम कहाँ पढ़ना चाहते हैं। भाई आप पढ़ना नेशनल में चाहते हो, आप पढ़ना KKC में चाहते हो, आप पढ़ना यूनिवर्सिटी कैंपस में चाहते हो, परसेंटेज आपके वैसे नहीं है, आपको पढ़ना DAV में पढ़ रहा है, तो वो फिर वो इनपुट जैसा देना चाहते हैं छात्र वैसा दे नहीं पाते। तीसरी जो मांग है वो छात्र संघ की है, अगर छात्र संघ नहीं होते हैं तो आप ये समझ लो, ये तय मान लो, आप ये लिख लो मेरी बात आज, कि देश की संसद में, विधानसभा में, लोकसभा में गुंडे, बदमाश, माफिया, ठेकेदार, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये उद्योगपति बैठ जाएंगे। छात्र राजनीति की कोख से निकलने वाला ही जब बैठेगा विधानसभाओं में, लोकसभाओं में, तभी इस देश का कुछ भला होगा। क्यों? क्योंकि जब ये नौजवान निकलते हैं तो ग्रामीण अंचलों से भी होते हैं, शहरों से भी होते हैं, हर जगह से जाते हैं, हर जगह से जाते हैं। छात्र राजनीति में वो लोग मुख्यता करके आगे आते हैं जिनके पास मुद्दे होते हैं, किसी के अपने मुद्दे हैं, कोई सर्वाइवल की लड़ाई लड़ता है वहां पर, कोई परसेंटेज क्राइटेरिया की लड़ाई लड़ता है, ठीक है, कोई विश्वविद्यालय कैंपस की, विश्वविद्यालय प्रशासन की या महाविद्यालय प्रशासन की किसी कमी की लड़ाई लड़ता है ना। इस तरह से ये संघर्ष वाले नौजवान निकलते हैं तो इनको मालूम होता है। अब आप क्या देख रहे हो पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में, कि ठेकेदारों को टिकट दिए जा रहे हैं, पार्टियां दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं विचार विहीन हो गई है। अब पिछले 2006 से लखनऊ विश्वविद्यालय में तो छात्र संघ चुनाव नहीं हुए, लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं हुए छात्र संघ चुनाव, और उसमें जो है कुलपति का बहुत अभी भी ढुलमुल रवैया है। हम लोगों ने राज्यपाल से ज्ञापन दिया था कि समय मांगा था, हालांकि गवर्नर साहब ने अभी तक समय नहीं दिया। हम अपनी बात रख सकते हैं कि भाई आप छात्र संघ चुनाव कराइए, छात्र संघ चुनाव कराएंगे तो अच्छे लोग आएंगे, अध्यक्ष होगा, महामंत्री होगा, आप वो जो नियम आया था है ना उसके तहत कराइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव कराइए। आपने जब भारत की बात की, नौजवानों की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके मुताबिक भारत के 5 राष्ट्रीय मुद्दे पर आप कि हम समझ, राय और समाधान चाहिए। बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा आप जान रहे हो क्या है? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। रोजगार की पोजीशन ये है, अब ये देश की एक, आप सोच लो, देश का प्रधानमंत्री है ना 2014 के पहले एक बात कहता है कि रैली में, आजकल बहुत ट्रोल हो रहा है फेसबुक पे,
कि एजुकेशन के हिसाब से, काबिलियत के हिसाब से रोज़गार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और उसके बाद कह देता है कि पकौड़ा भी बेचना भी रोज़गार है। तो इस बात का तो अब ये मेरी बात पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, ठीक, लिखे पढ़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोग जिन्होंने पढ़ने के बाद लिखा है वो समझ सकते हैं मेरी बात, ठीक। कुछ ऐसे भी अंधे हैं जो लिखे पढ़े हैं, ठीक, और उनको जाति धर्म में बांटा गया, वो बटे हुए हैं और वो इस बात को नहीं समझ सकते। तो अगर पकौड़ा बेचना रोज़गार है तो भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जिनके बच्चे पकौड़ा बेच रहे हैं या बेचना चाहेंगे, ठीक, MBA, BCom, MCom, MPhil, तमाम तरह की क्वालिटी एजुकेशन है, तमाम तरह के मानक एजुकेशन को उनको पूरा करने के बाद ऐसे कितने भाजपा के नेता हैं जिनके बच्चे रोजगार में पकौड़ा बेचना चाहेंगे या ऐसा काम करना चाहेंगे। देखिए, हम भी बहुत सम्मान करते हैं, ठीक है, और सम्मान सिर्फ पकौड़ा बेचने वाले का ही नहीं, हम पंचर बनाने वाले का भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भीख नहीं मांग रहा है, अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार की दाल रोटी चला रहा है, लेकिन उसमें आपने उसको कुछ नहीं दिया, आपने एक रुपए की मदद नहीं करी, वो उसने अपने दम पर हासिल किए, अपने पुरुषार्थ से हासिल किए, इसलिए आप इस चीज़ का क्रेडिट ना लीजिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर चीज़ को इमोशनली मत जोड़ दीजिए, कोई आहत नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन हमारा कहने का मामला मानना है कि जैसे लाखों रुपए बीटेक वाले फीस लेते हैं, फीस लेने के बाद आपने डिग्री हाथ में दे दी, तो जब आपने फीस ली, डिग्री हाथ में दी, ठीक है, नौकरी का क्या है भाई, सिर्फ डिग्री ही रख के क्या रोजी चल जाएगी, नौकरी क्यों नहीं है, या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी क्यों नहीं है, ठीक। सबसे बड़ा मुद्दा कि जॉब का सृजन तो हो नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि जॉब जो दी जा रही है ना, आप देख लो गवर्नमेंट केसेस में जो जॉब है वो सबसे ज्यादा मृतक आश्रित में, ठीक, मृतक आश्रित में जॉब्स हैं, जो मतलब फैमिली में किसी के फादर, किसी की मदर थी, हमारे यहाँ जॉब नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। मैं भी गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कॉरपोरेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है, या तो हैं बहुत अच्छे लेवल पे, जो टीवी और पिक्चरों में दिखाई जाती है वैसी कॉरपोरेट सेक्टर की जॉब नहीं है। 4 लाख पर NM वाले को हम बहुत अच्छी जॉब नहीं मान सकते, ठीक है। तीसरा, हिंदुस्तान नए उद्योगपति जो युवा उद्यमी है उनका, उनको नहीं बढ़ावा दे रहा है, वही 3-4 हैं सेलेक्टेड, 10-12 मान लो, 15-20 मान लो, वही सेलेक्टेड ऊपर से नीचे तक, अंबानी से लेके नीचे तक, वही उन्हीं को गवर्नमेंट लोन अप्रूव दे रही है, ठीक, उन्हीं को बढ़ावा दे रही है। नए उद्यमी हमको बनाने चाहिए, ताकि जैसे ये नीरव मोदी वाला मामला हुआ, माल्या वाला मामला हुआ, अगर ऐसे लोग स्कैम करके निकल जाते हैं तो जो नए उद्यमी है ये, है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को बचाए रखे। हम उन्हीं 15 को फाइनेंस कर रहे हैं, लोन देते हैं, सब्सिडी देते हैं, सब करते हैं, लोन माफ करते हैं, ठीक है। अभी किसानों का कर्जा माफ करने की बात आती है तो उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को कहती है, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कहती है माफ नहीं होता है। 5,000 रुपए किसी की EMI ना छूटे, महीने भर बाद नोटिस आ जाती है, ठीक, 11,000 करोड़ लेके एक आदमी भाग गया। लोग कहते हैं विदेश संबंध बहुत अच्छे, विदेश नीति बहुत अच्छी, अरे काय की विदेश नीति, एक आदमी वहां सूट बूट पहने डकैतों की तरह, यहाँ का डकैत, यहाँ का चोर चक्का वहां घूम रहा है, काय की आपकी विदेश नीति, वो टहल रहा है वहां पे, जू नहीं रेंग रही आपके कारण पे। अरे बात करिए, अमेरिका में बात कीजिए, लंदन में बात कीजिए, ब्रिटेन में बात कीजिए, आप बात कीजिए कि एम्बेसी से कि हमारे यहां ये डकैत है, ये चोर है हमारे यहां का, उसको गिरफ्तार करवाइए, किस बात का ढिंढोरा पीट रहे हो आप। दिक्कत ये है कि चीजें दिखाई कुछ और जा रही हैं और हो कुछ और रही हैं, ठीक है। हमारा रक्षा बजट, ये बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो हमारा रक्षा बजट है इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है, और गवर्नमेंट सेक्टर्स में जिस तरीके से इसको निजी हाथों में दिया जा रहा है ये ठीक नहीं है हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि 2004 के बाद आपने पेंशन बंद कर दी, अब 2004 के बाद वाले जो हैं उनको पेंशन नहीं है। देखिए, समानता होनी चाहिए किसी भी चीज में, वो समानता होनी चाहिए। आप गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं तो कहता हूं प्राइवेट सेक्टर में भी समानता होनी चाहिए, ठीक है। पेंशन बहुत जरूरी है भाई, एक आदमी 60 साल तक अपना पुरुषार्थ दे रहा है, 60 साल के बाद दिमागी हालत या शारीरिक स्थिति वैसी नहीं होती कि आदमी जॉब कर पाए। तो मान के चलो बच्चों की शादी हो गई या बच्चों की शादी में पैसा लग गया, उसके बाद वो बुजुर्ग क्या खाएंगे, उनकी रोजी रोटी का क्या। इसलिए, है ना, मेरा ऐसा मानना है कि पेंशन होनी चाहिए। इस मुद्दे को भी जिस दिन हम लोग
उस लेवल पे जाएंगे तो जरूर उठाएंगे। अभिषेक जी, हमारा आपसे अंतिम प्रश्न ये है, इस वैश्विक प्रदर्शन में भारत को क्या करना चाहिए और किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना चाहिए? नहीं, अपने हिंदुस्तान के अंदर या भारत का विश्व पटल पे? दोनों की बता दीजिए। देखिए, विश्व पटल का एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें चाइना से, ठीक है, ये जो डोकलाम वाला हुआ है या कश्मीर के बाद पाकिस्तान ने चाइना को एक हिस्सा हमारा दे दिया था अपना, कि जिस तरह से चाइना हमारा डिस्प्यूट बना रहे, हमें अपने चाहे मित्र देशों चाहे जिनसे हमारी बात ना हो रही हो उनसे संबंध बहुत ट्रांसपेरेंट रखने होंगे। ठीक है, बनती है तो बनती है, नहीं बनती है तो नहीं बनती है। ठीक, सामने वाला हमारी बात भी नहीं कर रहा है, हमारी बात भी नहीं सुन रहा है, सिर्फ जाना हाथ मिला के फोटो खिंचा के चले आना, इसको मैं विदेश नीति नहीं मानता हूं। आप बात समझो, पाकिस्तान के पास इतने संसाधन नहीं है कि पाकिस्तान जैसा छोटा सा, है ना, और छोटा सा भी नहीं, ऐसा भी कोई देश नहीं है, वो तो हम ही से गया है, वो तो कहीं ना कहीं हमारे ही लोगों की गलती थी, हम लोगों ने ब्रिटिश एम्बेसडर की बातों में आकर, लाहौर में सबसे ज्यादा हिंदू थे जब डिवाइड हो रहा था पाकिस्तान तो, लेकिन वहां पे जिन्ना ने इशू क्रिएट कर दिया, कहा लाहौर हमें आना चाहिए वरना लाहौर भी हमारा होता। ये सबसे बड़ा इशू बहुत से हैं, कश्मीर मुद्दा कुछ है ही नहीं। ये जो आर्टिकल 370 है, वो जो कमेटी बनाई गई थी उसने कहा था ये एक आर्टिफिशियल है और अल्पकालीन है, सरकार जब भी चाहे इसको हटा सकती है। ठीक है, इस समय की परिस्थिति यह है कि इसकी जरूरत है, इस समय की परिस्थिति यह है कि इसकी जरूरत है, कुछ समय के लिए हालात सही होने तक के लिए इसको लगाया जाता है, जब तक हालात सही हो जाएंगे आप हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो चीजें खींची जा रही हैं। अब इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की अगर आप बात करो तो हमें बहुत, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत क्लियर। और इसमें मैं अमेरिका की बहुत तारीफ करता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उसका स्टैंड बहुत क्लियर होता है कि हमारी अखंडता, एकता, संप्रभुता पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर किसी ने कभी भी किसी तरह का नुकसान पहुंचाया तो संबंध और विदेश नीति एक तरफ, है ना, हम अपना हिसाब देना जानते हैं, हिसाब लेना जानते हैं, बहुत स्टैंड क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अगर बाहर से ही हम बाहरी के मुद्दों में उलझे रहेंगे तो हमारे अंदर के मसले खुद के इतने, जो देश जातियों में बटा हुआ है, धर्म में बटा हुआ है, यहाँ के लोगों ने बांटा हुआ है। आज नौकरी की बात जानते हैं नौजवान क्यों नहीं करता है? आज नौकरी की बात इसलिए नौजवान नहीं करता है क्योंकि ये नेता है, सो कॉल्ड, है ना, ये सांसद विधायक बन के अपने आप को नेता समझने लगते हैं। इनकी प्रॉब्लम इन्होंने क्रिएट करवाई है, जातियों में बांटा है, धर्म में बांटा है, तुम फलाने धर्म के हो, तुम फलानी जाति के हो, तुम्हारी जाति के मैं, मेरी जाति, तुमको मुझे वोट देना है। अब वो नौजवान भी, हाँ यार, अपनी बिरादरी के हैं, अपने धर्म का मामला है, वो नौकरी की बात सोच ही नहीं रहा है, वो सर्वाइवल सोच ही नहीं रहा है ना, वो अपना राइट जान ही नहीं रहा, वो कह रहा है, वो सोच ही नहीं रहा है कि यार जॉब भी है, परिवार भी है, नहीं, वो तो उसको तो उलझाया। बल्कि नौजवान और किसान अपने आप में कौम है और सबसे जिंदा कौम है। ये जो लोग कहते हैं कि आज़ादी मिली है, ये मिली नहीं है, ये छीनी है हमने, ये आज़ादी मिली नहीं है हमें, ये पड़ी नहीं मिली, ये छीनी है। ठीक, अगर बापू का योगदान था, मैं मानता हूँ बापू का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन ये खून के छींटों की तिलांजलि पे मिली है। न जाने कितने मर गए, मैं 60 ऐसे नाम गिना सकता हूं आपको जिनके परिवार की स्थिति आप देख लो जाके, आपको लगेगा कि यार हम किस देश में हैं, हमारे आदर्श क्या थे, हम विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। ये हिंदुस्तान अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर हम अपना एग्रीकल्चर मजबूत कर ले गए तो आप समझ लो 10 साल में अगर हम अपना एग्रीकल्चर मजबूत कर ले जाएंगे, 11वें साल में चाइना हमको सपोर्ट के प्रणाम करेगा, सिर्फ अपना एग्रीकल्चर हम मजबूत कर ले जाए, सिर्फ एग्रीकल्चर पे इतना ध्यान दे दें कि एग्रीकल्चर से पर कैपिटा जनरेट हो जाए। ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि चीनी मिल, है ना, राइस मिल, यहीं पर ही किसान दब रहा है, किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है, सरकारें भी, भाई आप सर ये माफ वाला क्यों, कर्जा माफ वाला, हम तो कर्जा माफ के सख्त खिलाफ है। आप ऐसी चीजें करो कि किसान को कर्जा लेना ही ना पड़े, है ना भाई। एक समय था एक क्विंटल गेहूं बिकता था तो एक तोला सोना आ जाता था, आज क्या कंडीशन है,
आज एक कुंटल गेहूं 1,000 रुपए का है न्यूनतम, ठीक। बहुत सी चीजें, एक समय था कि नौजवान बच्चे ग्रेजुएट होते थे, हमारे पिताजी लोग थे, हमारे पिताजी के पिताजी लोग थे, जो ग्रेजुएट होता था वो नौकरी पा जाता था। आज क्या पोजीशन है, बीटेक ले लो, एमबीए ले लो, मैं तमाम ये प्राइवेट दुकानें खुली हुई हैं बीटेक की, बीएससी, वो बीएससी भी ले लो, ये तमाम दुकानें एमबीए की खुली हुई हैं, सीपीएमटी खुली हुई हैं। तो जब पैसा ले रहे हो तो नौकरी कहाँ दे रहे हो भाई, ये आप ये अतिक्रमण है। अगर आप पैसा ले रहे हैं किसी से एजुकेशन का, तो आप इस चीज को क्लियर करिए कि हम उसको जॉब भी देंगे, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो सरकार को यह तय करना चाहिए, ये प्राइवेट जितनी दुकानें हैं या तो इन पर अंकुश लगे या तो ये बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में अगर शिक्षा का बाजारीकरण है तो फिर हमको आपको सोचना पड़ेगा कि क्या दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। और यही यही मुद्दा है, और छात्र राजनीति का तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है। देखिए लोहिया जी ने कहा था, राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति की संतान हो या किसान की संतान, सबको शिक्षा एक समान, एजुकेशन एक बराबर होनी चाहिए। आप भी पढ़ना चाहते हो, हम भी पढ़ना चाहते हैं, हालांकि हम लोगों की बातें अभी लोगों तक पहुंच नहीं रही है, जिस दिन पहुंचेंगी लोग इस बात को जरूर अप्रिशिएट करेंगे। छात्र लोकदल यही मांग रखता है अपनी। हाँ धन्यवाद अभिषेक, थैंक यू सो मच। आशा करते हैं आप लगातार इसी छात्र हित में काम करते रहें। थैंक यू सो मच।